Swayam Prabha, Digital India, Educated India. डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इसशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम मैंने अपने प्रस्तुतिकरण का विषय रखा है अपराध के आवश्यक तत्व तो जैसा कि अपराध के चार तत्व हैं पहला है ह्यूमन बींग दूसरा है दूषित तीसरा है दोषपूर्ण कार्य और चौथा है क्षति ये चार तत्व का सम्मिलन अपराध कहलाता है किसी भी अपराध को डिसाइड करने के लिए चार तत्व परम आवश्यक हैं जैसा कि मैंने पहले बताया देयर मस्ट बी अ्यूमन बींग एक मानव का होना जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा ग्यारह के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है मानव के अंतर्गत प्राकृतिक मानव और विधिक व्यक्ति दोनों सम्मिलित हैं मानव का होना मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय का होना और उस दूषित आशय के अनुसरण में किया गया दोषपूर्ण कार्य और उस दोषपूर्ण कार्य के पश्चात हुई क्षति ये चार तत्व मिलकर अपराध को गठित करते हैं इन चार तत्वों का मिलन ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइंस में जिसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन को वाटर की संज्ञा देते हैं जैसे हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल मिलकर के एच टू ओ बनाता है इसकी इस इसको हम कहीं पर भी जोड़ें या हम अपने बनारस बी एच यू में जोड़ें या किसी विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश या किसी भी देश में हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से एक निश्चित परिणाम को जन्म देगा उसका नाम उसकी संज्ञा दी जाती है एच वाटर ठीक उसी प्रकार से आपराधिक विधि के अंतर्गत भी मानव का होना मानव के मस्तिष्क में दुराशय का होना दूषित आशय के परिणाम स्वरूप किया गया दोषपूर्ण कार्य और उसके पश्चात हुई क्षति यह एक निश्चित परिणाम देगा और वह परिणाम होगा अपराध अब इसके पश्चात इन चार तत्वों में हम एक एक तत्व को देखेंगे पहला जैसे है ह्यूमन बींग दूसरा है मेन्थ्रिया तो पहले लेते हैं अपराध के प्रथम तत्व को मानव का होना चूँकि अपराध का आशय आपराधिक आशय गिल्टी इंटेंशन दोषपूर्ण कार्य यह किसी भी मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होना ही उस अपराध की परिणति में उस अपराधी को कारित करता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी भी अपराध को करने के पहले मनुष्य के मस्तिष्क में अपराध करने की एक योजना बनती है प्लान करता है तो मस्तिष्क में दुष्पूर्ण आशय का होना मस्तिष्क में गलत विचार का आना और इस गलत विचार के पश्चात वह विद द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य को करना निषिद्ध कार्य को करना और यदि क्षति हो जाए तो यह एक अपराध तत्व अपराध होगा इसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपराध के लिए जिस भी अपराध को वह करता है जैसे चोरी के लिए व्यक्ति का मस्तिष्क में चोरी करने का आशय पहले होगा पहले उसकी प्लान करेगा आशय के पश्चात वह उसके मस्तिष्क में दूषित आशय और दूषित आशय के पश्चात उसका कोई फिजिकल एक्ट शारीरिक कृत्य होगा शारीरिक कृत्य के पश्चात वह किसी भी व्यक्ति के जो उसका वास्तविक स्वामी है संपत्ति किसी के कब्जे में है उसको उठा लेना ले लेना यह चोरी का अपराध गठित होता है तो चोरी के अपराध के यदि हम विश्लेषण करें तो चोरी के अपराध में भी ये चार परम तत्व आवश्यक होंगे पहले उस चोर के मस्तिष्क में चोरी करने का आशय गिल्टी इंटेंशन दोषपूर्ण पूर्ण आशय आया होगा उस दोषपूर्ण आशय के अनुसरण में उसने उस दोषपूर्ण कार्य को किया होगा उस चल संपत्ति को स्वामी के कब्ज़े से लिया होगा और लेने के पश्चात उसको उस संपत्ति स्वामी को उस से उसने बेदखल किया होगा ये उसको क्षति है जिस जिस भी स्वामी की संपत्ति को चल संपत्ति को उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया तो दैट इज रंगफुल लॉस सदोष दोष इसलिए हम इस दृष्टांत के माध्यम से एक समझने का प्रयास करेंगे कि जो चोरी के ये जो चार परम आवश्यक तत्व हैं अपराध के मानव का होना दूषित आशय का होना दोषपूर्ण कार्य का होना क्षति का होना ये परम तो मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय का होना दोषपूर्ण कार्य करना और दोषपूर्ण कार्य के परिणाम क्षति का होना ये अपराध माना जाएगा अब आते हैं दूसरे तत्व पर दूषित आशय दुराशय इनको विभिन्न इसके पर्यावाची हैं जिसको हम लैटिन वर्ड में मेन्थ्रिया की संज्ञा देते हैं गिल्टी इंटेंशन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गिल्टी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन। अब इस पर एक लैटिन सूत्र है जिसे वो आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने का एक तत्व या लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी डिसाइड करने का एक आधार है वह है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेनसिट्रिया इसका हिंदी रूपांतर है चूंकि हिंदी विषय के रूप में मैंने इसको रखा है तो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेनसिट्रिया का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में अर्थ है कि कोई भी कार्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि वह कार्य दूषित आशय के साथ न किया गया हो इसको इंग्लिश किसका वर्जन है कि एक्ट इट सेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वेयर टू डू सो कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उस अपराध करने के पीछे उसका आशय न रहा हो तो इस लैटिन सूत्र से यह कहा जा सकता है कि मेंटल एलिमेंट गिल्टी इंटेंशन अपराध का परम आवश्यक तत्व है और यदि हम इस मेन्स्रिया जिसको लैटिन में हम इसको संक्षेप में मेन्सरिया बोलते हैं मेन्स्रिया और रंगफुल एक्ट जो दोषपूर्ण कार्य है उसको हम एक्टस रियस बोलते हैं इस लैटिन सूत्र के अंतर्गत दो तत्व हैं मेन्सरिया एंड एक्टस रिया इस मेन्स्रिया और एक्टस रियस के दो सम्मिलित परिणाम को क्राइम की संज्ञा दी जा सकती है मैथमेटिकल रूप में बोलें गणित रूप में इसको प्रस्तुत करें तो मेन्स्रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम मेन्स्रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम अर्थात दोषपूर्ण आशय दूषित आशय और दोषपूर्ण कार्य इज इक्वल टू क्राइम अपराध होगा इसको यदि हम गणित के रूप में याद करने के लिए छात्रों के लिए ये सबसे सुविधाजनक होगा कभी भी दूषित आशय यदि नहीं है गिल्टी इंटेंशन के अभाव में दूषित आशय के अभाव में कोई दोषपूर्ण कार्य अपराध नहीं हो सकता है तो यह सबसे ज़रूरी बात है छात्रों के लिए जानना कि कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसी उसका दूषित आशय न रहा हो इसको कैसे उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है जैसे कि यदि आप आ, कहीं पर जा रहे होते हैं और आपके ऊपर पीछे से प्रहार किया जाए और प्रहार करने के पश्चात आप मुड़कर देखते हैं कि जो प्रहार कर रहा है व्यक्ति आपके ऊपर हमला किया व्यक्ति है वह पागल है उस वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है विकृत चित्त का व्यक्ति है यदि उसने आपके प्रति कोई हमला किया है तो आपका जो प्रतिशोध लेने की बदला लेने की भावना है उसको ही कम हो जाती है यह मानते हुए या जानते हुए कि यह पागल है इसका दूषित आसन नहीं हो सकता इसका गिल्ट इंटेंशन नहीं हो सकता इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य हो जाना चाहिए आपके मन प्रतिशोध लेने की भावना जो कम होना आपके मन मस्तिष्क में प्रतिशोध लेने की भावना का कम होना विधायिका के द्वारा भी उसी आधार पर जब ऐसे कार्य जो दूषित आशय के अभाव में किए जाते हैं उनको विधायिका ने भी क्षम्य घोषित किया है और यह भारतीय जनसंहिता की धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के प्रावधान जिसको हम साधारण अपवाद की संज्ञा देते हैं उस साधारण अपवाद के अंतर्गत ऐसे कार्य जो दूषित आशय के अभाव में किए जाते हैं उनको आपराधिक दायित्व से क्षम्य प्रदान किया गया है उन्हें आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है वैसे ही जैसे कि यदि कोई सात वर्ष से कम आयु का बालक कोई कार्य कर दे यदि वह कार्य दोषपूर्ण है कानून की नज़र में विधिशुद्ध विधि विरुद्ध है परंतु चूंकि सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया है तो यह कानून मानती है कि सात वर्ष से कम आयु का बालक का मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं होता जितना कि स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क परिपक्व होता है इसलिए सात वर्ष के आयु के व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक विधि के अंतर्गत पूर्णतः क्षम्य माना गया है और वह आपराधिक दायित्व से मुक्त है तो हम सभी यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो मेन्सरिया है वह क्रिमिनल लाइबिलिटी को आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है प्रत्येक अपराध के लिए दूषित आशय दुराशय आवश्यक तत्व है जब तक कि विधायिका के द्वारा विधि के द्वारा दूषित आशय तत्व को कानून बनाकर निकाल न दिया गया हो अपवर्जित न कर दिया गया हो अर्थात प्रत्येक अपराध के लिए दूषित आशय का होना आवश्यक है और यह लैटिन सूत्र के माध्यम से भी मैंने बताने का प्रयास किया एक्टस नॉन फेसिटियम निसी सिट्रिया जिसका शाब्दिक अर्थ है तो इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दूषित आशय को दुराशय को किन किन धाराओं के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है यद्यपि दूषित आशय को दुराशय को आईपीसी के अंतर्गत किसी एक धारा के अंतर्गत नहीं परिभाषित किया गया परंतु इसको विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दिया गया जैसे कि आई की धारा 24 जिसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन को डिफाइन किया गया है धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है बेईमानीपूर्ण आशय क्या होता है धारा 24 के अनुसार बेईमानीपूर्ण आशय से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा सदोष लाभ और दूसरे को सदोष हानि रांगफुल गेन एंड रांगफुल लॉस दैट इज द जिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो बेमानीपूर्ण आशय का जो डिसाइड करने की क्राइटेरिया है वह है कि सदोष लाभ और सदोष हानि यह बेमानीपूर्ण आशय की परिधि में आएगा वैसे ही धारा पच्चीस के अंतर्गत कपटपूर्ण कृत्य को डिफाइन किया गया है फ्रॉडलेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है यह भी दूषित कार्य यह भी मेन्सिया के आ, ऐसे ही नेग्लिजेंट रैसली उपेक्षापूर्ण कार्य को भी दूषित दुस, आशय दुराशय के अंतर्गत लिया जा सकता है अब इसके पश्चात देखते हैं कि दूषित आशय को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किन किन धाराओं के अंतर्गत के अंतर्गत इसको क्षम किया गया वर्जित किया गया है जैसा कि मैंने बताया कि दूषित आशय अपराध को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है बिना दूषित आशय के कोई कार्य अपराध नहीं होता परंतु भारतीय संहिता की धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के प्रावधान हैं उनको दो कोटियों में बांटा गया है जहाँ पर धारा छिहत्तर से लेकर के धारा पंचानवे तक के अंतर्गत दूषित आशय के अभाव में मिन्सिया के एबसेंस में उस कार्य को क्षम्य घोषित कर दिया जाता है और धारा 96 से लेकर के 106 तक के जो प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत हैं उन कार्यों को न्यायसंगतता के आधार पर व्यक्ति जानते हुए कि जो कार्य कर रहा विधि विरुद्ध कार्य है परंतु उसका आशय दूषित नहीं होता इस आधार पर उसके कार्य को आपराधिक विधि के अंतर्गत क्षमा क्षम किया गया है तो इन दो प्रावधानों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत मिन्सिया दूषित आशय की अप्लीकेबिलिटी या उसकी उपयोगिता कहाँ तक की गई है अब इसको इंग्लैंड के माध्यम इंग्लैंड अंग्रेजी विधि के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आईपीसी चूंकि हमने भारतीय जनसंहता अंग्रेजों के समय की कानून बनाया गया है इसलिए हमें देखने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी विधि के अंतर्गत मिन्सिया या दूषित आशय को कहाँ तक मान्यता प्रदान की गई है इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है सिराज वर्सेज डी रुटिजन उस केस में कहा गया कि प्रत्येक आपराधिक विधि के अंतर्गत दूषित आशय एक आवश्यक तत्व के रूप में माना जाए जब तक कि उसका अपवर्जन न कर दिया गया हो अर्थात दूषित आशय प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है दूसरा महत्वपूर्ण वाद इसमें आर बनाम प्रिंस का है तीसरा महत्वपूर्ण वाद है क्विन बनाम टालसन का ऐसी स्थितियों में हम अंग्रेजी विद के तीन दिन तीन वाद जैसा कि मैंने आपको बताया अब इसको देखते हैं भारतीय संदर्भ में भारत में इस पर महत्वपूर्ण वाद कौन सा है तो इसको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको चाहूँगा बताना इसमें देख सकते हैं कि मैंने जो दूसरा तत्व लिखा है दूसरी आशय दुराशय उस दुराशय को भी लैटिन सूत्र भी मैंने उसमें लिखा हुआ है उसको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या चित्त व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता क्योंकि वह मिन्स्रिया के वह जो कार्य किया जाता है दूषित आशय के अभाव में किया जाता है तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि दुराशय भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया है उसमें दो मैंने उदाहरण दिए हैं एक तो है कि सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक विधि इच्छा में घोषित करती है क्योंकि विकृत चित्त व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह उसका आशय वह इस स्थिति में नहीं होता कि वह जो कार्य कर रहा है वह कार्य विधि विरुद्ध है या वह गलत है अतः इस आधार पर दूषित का दूषित आशय के अभाव में उसके कार्य को क्षम्य घोषित किया गया है ये दो तत्व दो इस पर मैंने दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया अब आई के अंतर्गत किन किन धाराओं के अंतर्गत दुराशय को दिया गया है वह धारा एटी एट, है कपटपूर्वक धारा 25 के अंतर्गत है इन दो धाराओं के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया दूषित आशय को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया अब कुछ ऐसे भी अपराध हैं कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में व्यक्ति का यदि दूषित आशय न भी हो तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य को यदि विधि ने निषिद्ध किया हुआ है तो उसके कार्य को अपराध माना जाएगा यद्यपि उसका दूषित आशय न हो इसके लिए हम तीन भारत में तीन कानून को उद्धृत करना चाहेंगे जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है पाला है जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेज़ नाइनटीन 1948 का है दूसरा इसमें है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है नाइनटीन का दूसरा नेक्स्ट है इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 उन्नीस का ये ऐसे प्रावधान है जिसमें कि भारतीय दंड संहिता की, की मेन्स्रिया को अपर्जित किया गया है अर्थात ऐसे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में व्यक्ति के दूषित आशय के अभाव में भी उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाएगा जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक इम्प्लायर पर प्रत्येक नियोक्ता पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने यहाँ कार्यरत सभी मजदूरों को मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी देना सुनिश्चित करेगा यद्यप कि उसका आशय बहुत ही पवित्र हो यद्यप कि उसका आशय बहुत ही अच्छा हो परंतु यदि वह अपने यहाँ कार्यरत मजदूरों को वर्कर्स को यदि न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है मिनिमम वेजेज नहीं दे रहा है तो इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा वॉलेशन माना जाएगा और उसको दूषित आशय के अभाव में भी उसकी जवाबदेही आपराधिक दायित्व को निश्चित किया जाएगा ठीक उसी प्रकार से दूसरा इसमें कानून दूसरा स्टेच्यूट है जिसके अंतर्गत आप ये जाने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पे मिन्सरिया न भी हो तो भी नियोक्ता के द्वारा इम्प्लायर के द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाएगा यदि उसने विधि विरुद्ध कार्य किया है यद्यपि कि उसका आशय बहुत हो यद्यपि उसका पायस उद्देश्य हो पवित्र उद्देश्य हो दूषित आशय न भी हो तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाएगा जैसे कि मजदूरी देना मजदूरी प्राप्त करना वर्स्कर्स का फंडामेंटल राइट है राइट टू गेट फेयर वेजेज ये भारतीय संविधान के अंतर्गत भी है यह भारतीय संविधान की आर्टिकल तेईस के अंतर्गत भी है कि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाना बेगार माना जाएगा और उसके मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन माना जाएगा तो हम भारतीय संविधान के आर्टिकल तेईस के माध्यम से और मिन्सिया को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यह सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा जानना क्योंकि देश की सर्वोच्च विधि संविधान में भी इस बात की गारंटी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति से बेगार न कराया जाए किसी भी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक के किया गया कार्य यह बलात्सम माना जाएगा बलपूर्वक लिया गया श्रम माना जाएगा फोर्स लेबर माना जाएगा और ये संविधान के आर्टिकल तेईस का उल्लंघन माना जाएगा इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद के द्वारा भी कानून बनाए गए और उस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्कर्स को न्यू न्यूनतम मजदूरी देना एक बात दूसरा उसको फेयर वेजे देना उचित मजदूरी देना दूसरी बात बिना मजदूरी के लिया गया श्रम अपराध माना जाएगा और उसका दायित्व इम्प्लायर की दायित्व आपराधिक दायित्व को निश्चित किया जाएगा दो कानून हो गए दो कानूनों के बाद मैं ये तीसरा कानून उद्धृत करना चाहूँगा तीसरा कानून इसमें है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 इसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का इस अधिनियम के अंतर्गत भी दूषित आशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध माना गया है दूषित आशय न भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति से जो खाद्य पदार्थों में अपमिश्रित करके भोज पदार्थों को विक्रय कर रहा है बेच रहा है यदि वह उससे हानि हो रही है तो उसका उद्देश्य उसका आशय कितना भी पवित्र हो दूषित आशय न भी हो लेकिन फिर भी हम कठोर दायित्व के अंतर्गत उसको आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराएंगे तो तीन ऐसे अधिनियम हैं जिन अधिनियमों के माध्यम से सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा समझना कि इन तीन अधिनियमों के अंतर्गत दूषित आशय के अभाव में भी कार्य को अपराध माना जाता है दूषित आशय न भी हो तो भी न्यूनतम तो मजदूरी नहीं देना उचित तो मजदूरी नहीं देना और भोज पदार्थों में मिलावटी करके बेचना यह अपराध माना जाएगा क्राइम माना जाएगा इसके लिए भारतीय जनसंहिता या संबंधित विधि के अंतर्गत प्रावधान किया गया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती तो इसके पश्चात मैं समझ रहा हूँ कि तीसरा इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे दूषित आशय के अभाव में कार्य अपराध नहीं होगा इसके लिए आईपीसी के अंतर्गत धारा धारा इक्यासी धारा बयासी के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है कि दुर्घटना बस यदि कोई कृत्य हो जाए तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा वैधपूर्ण कार्य करते समय यदि कोई अपहानि हो भी जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा यदि उस घटना के घटित होने में उस पक्षकार का कोई नियंत्रण न हो यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और वह घटना अप्रत्याशित है जिसका मैं प्रत्याशा अनुमान न लगा सकता हूँ और उससे पश्चात किसी की क्षति हो जाए तो उसके लिए मुझे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यह भारतीय जनसंहता की धारा अस्सी के अंतर्गत दुर्घटना आपराधिक मामलों में एक वैध बचाव है यह प्रावधानित किया गया है जैसे माना आप छात्रों में से यदि कोई भी व्यक्ति बाइक से जा रहा है आपके बाइक का व्हील पहिया निकल करके यदि किसी राहगीर को लग जाता है राहगीर गिर जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह आपके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे में आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यह दुर्घटना का बचाव आप ले सकते हैं बाइक चलाना और सही तरीके से चलाना यह आपका राइट है अधिकार है यदि या यातायात नियमों का आपने पालन किया है आप अपनी बाइक सही से चला रहे हैं तो यह दुर्घटना का विशुद्ध रूप से यह एक्सीडेंट माना जाएगा क्योंकि उस घटना में आपका कोई कंट्रोल कोई नियंत्रण नहीं था न तो उस अप्रत्याशित आपको प्रत्याशा थी कि मेरी इस नई बाइक का पहिया निकल जाएगा और राहगीर को लग जाएगा और राहगीर को क्षति हो जाएगी तो यह दुर्घटना आपराधिक मामलों में कैसे वैध बचाव हैं ये धारासी के अंतर्गत दिया गया है और यदि कोई कार्य विशुद्ध रूप से एक्सीडेंटल एक्ट है दुर्घटना प्रतिकृत करते है तो वह दूषित आशय नहीं माना जाएगा और दूषित आशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध नहीं मानेंगे इसके पश्चात जो धारा बयासी है अभी इसके ठीक पहले मैंने बताया कि धारा एट्टी टू के अंतर्गत सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता लॉ प्रज्यूम करती है कि जो सेवन ईयर्स तक के बच्चे हैं उनका मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं होती कि वह अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता रखते हों अतः इसी आधार पर सात वर्ष तक के आयु के व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य माना गया है माना उदाहरण के तौर पर कि आपको आज के समय में आज के परिवेश में लगता है कि छः वर्ष का बालक मोबाइल चला रहा है साढ़े छः वर्ष का बालक बिल्कुल व्हाट्सअप और फेसबुक चला रहा है इसका मतलब है फेसबुक और व्हाट्सअप चलाने से वह सारी चीज़ों को लगभग कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है लेकिन यदि छः साढ़े वर्ष का बालक यदि आपके घर में या किसी के घर में यदि पिस्टल लेकर के अपने पिता की पिस्टल से किसी को दौड़ाते हुए कहते हुए सुना जाता है कि आज इसको मैं मार दूंगा और मार देता है जैसे न्यायालय के समक्ष ये वाद लाया जाएगा कि यह मृत्यु जो हुई है यह सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा हुई है न्यायालय अन्य किसी भी साक्ष्य को नहीं मानेगा और धारा बयासी का लाभ देते हुए उस बालक को आपराधिक दायित्व से मुक्त कर देगा क्योंकि वहाँ पे अन्य कोई साक्ष्य लेने की न तो न्यायालय को अनुमति है और न तो किसी व्यक्ति को यह साबित करने की अधिकार दिया गया है कि वह सात वर्ष से कम आयु का बालक इतना परिपक्वता कि वह प्राय कहते हुए सुना जाता था कि मैं बदला लूँगा बदला लूँगा और उसे दोषी करार दिया जाए यह संविधि मानती है विधि के अंतर्गत यह माना गया कि सात वर्ष के जो आयु के बालक हैं वह मेंटली मेच्योर नहीं होते मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते अतः उनके द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्लाइड के माध्यम से आप सभी यह जान पाने में सफल हुए होंगे कि दूषित आशय अपराध के लिए कितना आवश्यक तत्व है और यदि दूषित आशय के क्या अपवाद हैं दूषित आशय के अभाव में भी अनुपस्थिति में भी कार्य को अपराध माना जा सकता है वे कौन कौन से कानून हैं जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है अब इसके पश्चात आते हैं तीसरे स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि जो तीसरा तत्व है अपराध का वह है दोषपूर्ण कार्य रंगफुल एक्ट तो अपराध के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है दोषपूर्ण कार्य एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाई द लॉ जो कृत्य है वह कानून वह विधि के द्वारा निषिद्ध किया गया होना चाहिए यदि विधि के द्वारा निषिद्ध किया गया कार्य नहीं है दूषित आशय भी है लेकिन कार्य प्रोहिबिटेड बाई लॉ नहीं है तो उसको अपराध नहीं माना जा सकता है उदाहरण के तौर पर जैसे इंग्लैंड के अंतर्गत जारता एक अपराध था एडल्ट्री किसी भी विवाहित पुरुष के द्वारा किसी विवाहिता स्त्री के साथ संबंध बनाना यह एक अपराध है भारत में था अभी उसको उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में उसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया परंतु इंग्लैंड में जाड़ता अपराध नहीं माना जाता था कि इंग्लैंड में अगर अंग्रेजी कोई व्यक्ति विवाहित होते हुए किसी विवाहिता स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था तो अपराध नहीं था वो अपराध इसलिए नहीं था कि जो आय था जो वह कृत्य था जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो कृत्य था वह प्राइविटेड बाई लॉ नहीं था वहाँ की कानून के द्वारा वह निषिद्ध नहीं किया गया था तो इसलिए उस कार्य को अपराध नहीं माना जाता था भारत में हमने भारतीय जनसंहिता की धारा चार के अंतर्गत उसको एडल्ट्री को अपराध माना था परंतु उच्चतम न्यायालय के अभी हाल ही के निर्णय में माना गया कि वह अपराध नहीं है जाड़ता अपराध नहीं है और जाड़ता अपराध इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि स्त्री अपने शरीर की स्वयं मालिक है स्वयं वो डिसाइड कर सकती है कि उसके साथ उस, उसको उसके शरीर को वह किसके साथ वह अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती है पति पति की वह संपत्ति नहीं है पति प्रॉपर्टी के रूप में पत्नी को यूज नहीं कर सकता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए माना गया सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत यह एक विवाहित स्त्री का मौलिक अधिकार है कि वह डिसाइड करे कि उसको किसके साथ उसको लाइफ को एंजॉय करना है तो उस केस को आगे देखेंगे परंतु अभी ये मानना है कि जो कार्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध किया गया है उसी कार्य को यदि दूषित आशय के साथ किया जाएगा तो अपराध माना जाएगा अन्यथा नहीं इसके पश्चात आते हैं चौथा कार्य है जो फोर्थ एलिमेंट है अपराध का वह है क्षति इंजरी मानव के द्वारा मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय का होना दूषित आशय के अनुसरण में दोषपूर्ण कार्य करना और क्षति का होना यह अपराध माना गया जैसा कि मैंने हमने पहले बताया है यदि क्षति चौथा परम आवश्यकता तो जो है वह इंजरी है क्षति है जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है जैसे कि क के द्वारा ख पर हमला किया जाता है और हमले के पश्चात ख क्षतिग्रस्त हो जाता है ख के मस्तिष्क में चोट आती है तो क की ख के मस्तिष्क में चोट का आना वह उसको शारीरिक क्षति है और यह भारतीय जनसंहिता की धारा चौवालीस के अंतर्गत परिभाषित है क्षति दो प्रकार की हो सकती है मानसिक क्षति और शारीरिक क्षति मानसिक क्षति के अंतर्गत वह क्षतियों को सम्मिलित किया गया है कि जिससे व्यक्ति के व्यक्ति का मस्तिष्क में भय उत्पन्न कर देना भले ही उसको चोट न पहुंचाई गई हो परंतु बोले गए शब्दों के द्वारा या इशारों या संकेतों के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में भय उत्पन्न कर देना यह मानसिक क्षति मानी जाएगी और उसको भी आपराधिक दायित्व के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति के द्वारा यह क्षति उत्पन्न की गई भय उत्पन्न किया गया है मानसिक भय उत्पन्न किया गया है उसको भी आपराधिक दायित्व के, के अंतर्गत लाया जा सकता है जैसे हम इसको अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं किसी स्त्री के प्रति क्रूरता का करना व्यवहार करना तो क्रूरता में हम उसको स्त्री के प्रति यदि शारीरिक हिंसा होती है तो यह शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत आएगा फिजिकल क्षति मानी जाएगी शारीरिक क्षति मानी जाएगी और यदि स्त्री से दहेज की मांग की जाए विवाहिता स्त्री से दहेज की मांग की जाए ससुराल वालों के द्वारा दहेज का न दिया जाना या दहेज का कम लाना या उस विवाहिता स्त्री का पुत्र जन्म न देना इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये शब्द भी उस स्त्री के मानसिक स्थिति को क्षति कारित करते हैं इन प्रकार के वक्तव्यों को कथनों को भी मानसिक क्षति के अंतर्गत लाया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत धारा चार सौ अट्ठानबे का आई के अंतर्गत क्रूरता का अपराध माना गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन अपराध के चार तत्व जो हैं उसके समझने के पश्चात आप सभी लोग इस स्थिति में होंगे कि अपराध के चार तत्व भी समझ गए होंगे इससे संबंधित केस क्या है अब ऐसे भी अपराध होंगे जो ये चार तत्व में तो अभी तक के नियम की बात की कि ये नियम है कि चार तत्वों का होना परम आवश्यक है परंतु यदि यह क्षति न भी हो तो भी अपराध माना जाएगा भारतीय संहिता के अंतर्गत यदि किसी मानव के द्वारा मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय दूषित आशय के अनुसरण में कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाए परंतु क्षति न हो वास्तविक क्षति घटित न हो तो भी वह कार्य अपराध माना जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रयत्न के रूप में आपराधिक प्रयत्न के रूप में दंडनीय घोषित किया गया है जैसे कि यदि एक व्यक्ति क के द्वारा ख पर हमला किया जाता है परंतु वह गोली ख को नहीं लगती है यह क के के द्वारा वे सभी कार्य कर दिए गए जो ख के प्रति क्षति करने के लिए पर्याप्त है परंतु पिस्टल की मारक क्षमता संसाधन की मारक क्षमता के कारण ख को वह क्षति नहीं हो पाई तो भी तो भी जो क ने कार्य किया है वह विधि विरुद्ध कार्य किया है किसी को मारने का अधिकार किसी के ऊपर गोली चलाने का अधिकार कानून नहीं देता है तो हम अगर चार तत्वों के आधार पर उसके आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे तो ये पाएंगे कि क एक मानव है मानव के मस्तिष्क में दूषित दुस, आशय हुआ होगा तभी उसने गोली चलाने का प्रयत्न किया होगा और दूषित आशय के अनुसरण में उसने रंगफुल एक्ट किया दोषपूर्ण कार्य किया गोली चलाई क्षति नहीं हुई चौथा तत्व नहीं मज कंप्लीट हुआ तो भी इस कार्य को अपराध माना जाएगा और इसे हम इन इनकोएट अपरा अपराध की संज्ञा देते हैं इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इन इनकोएट ऑफेंस और हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण अपराध अपूर्ण अपराध इसलिए पूर्ण अपराध इसलिए नहीं हुआ कि क्षति नहीं हुई तो क्षति के अभाव में भी कृत्य अपराध हो सकता है यदि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए कि क्या अपराध के लिए क्षति का होना सदैव आवश्यक है तो सदैव आवश्यक नहीं है तीन ही तत्व अपराध हो सकते हैं वे अपवाद हैं नियमतः तो ये चार तत्वों का होना आवश्यक है परंतु अपराधिक परिस्थितियों में क्षति न भी हो तो भी कार्य को अपराध के दायरे में लाया जा सकता है और तीन तत्वों का उपस्थित होना ही वह इनकम्प्लीट ऑफेंस अपूर्ण अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को आपराधिक प्रयत्न के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा अब देखते हैं कि ये जो क्षति है अगर क्षति न भी हो तो अपराध होंगे ये कितने हैं भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत तो भारत में तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कि इन क्वेट अपराध अपूर्ण अपराध को भी कवर किया गया है आई के अंतर्गत वे अपराध हैं पहला है अबेटमेंट दुष्प्रेरण का अपराध दूसरा है षडयंत्र तीसरा है आपराधिक प्रयत्न ये तीन ऐसे अपराध हैं जिसमें क्षति न भी हो तो भी अपराध माना जाएगा उदाहरण के तौर पर जैसे कि क ख को ग की हत्या के लिए कहता है परंतु ख ग की हत्या करने से इनकार कर देता है तो यहाँ ने यहाँ पर क ने ख को इंस्टिगेट किया वह दुष्प्रेरित किया ग की हत्या के लिए ख का करना या न करना यह ख के ऊपर ख हो सकता है कि आपराधी विधि के अंतर्गत उत्तरदायी न हो लेकिन क ने ख को उकसाया है भले ही क्षति नहीं हुई परंतु दुष्पूर्ण कार्य के लिए दुष्पूर्ण कार्य करने के लिए किसी को उकसाना भी अपराध माना गया है तो इसलिए अपूर्ण अपराध की संज्ञा दी जाती है दूसरा है यह षड्यंत्र जहाँ पर दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा कोई अवैध कार्य करने अपराध करने के लिए सहमति दी जाती है परंतु वह अपराध नहीं हो पाता है हो सकता है पुलिस आवाज़ को ट्रैप कर ले उन दोनों लोगों के बीच में की गई बातों को ट्रैप कर ली जिससे कि वह अरेस्ट हो गए गिरफ्तार हो गए अपराध नहीं कर पाए परंतु उन दोनों लोगों के द्वारा आपराधिक योजना का बनाया जाना यह अपराध माना जाएगा क्षति भले नहीं हुई लेकिन उन लोगों ने अपना प्रयत्न कर दिया अटेम्प्ट कर लिया तो षड्यंत्र को भी आपराधिक षड्यंत्र को भी आ, माना गया कि ये क्षति न भी हो तो भी मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय होना दूषित आशय के अनुसरण में दोषपूर्ण कार्य करना भले ही क्षति न हो अपराध माना जाएगा तो ये तीन ऐसे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में क्षति न होने पर भी उस कार्य को अपराध माना गया है तो इस सभी घटना इन सभी तथ्यों के उल्लिखित करने के पश्चात मैं समझता हूं कि आप सभी लोग अपराध के चार तत्व और अपराध के चार तत्वों के भारत में किन अधिनियम के अंतर्गत तो उपयोगिता है दूषित आशय को कहां कहां किया गया है दूषित और स्ट्रिक लाइबिलिटी कठोर दायित्व तो क्या है कब दूषित आशय के अभाव में भी अपराध माना जाएगा जैसा कि मैंने बताया अपराध के चार तत्व ह्यूमन बीइंग दुराशय दोषपूर्ण कार्य और क्षति का होना अब इससे संबंधित कुछ अंग्रेजी वाद हैं इंग्लिश केस हैं और भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस मामले पर प्रकाश डाला गया है तो उस केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि दूषित आशय को आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में कहाँ तक उसका योगदान है प्रथम केस इस पर मिलता है आर बनाम प्रिंस का अठारह का केस है आर वर्सेज प्रिंस एटीन सेवेंटी फाइव उस वाद में हेनरी प्रिंस नामक व्यक्ति को एक 16 वर्ष से कम आयु की बालिका को उसके माता पिता की संरक्षकता से ले जाने के लिए आपराधिक रूप से अभियोजित किया गया था इंग्लैंड के अंतर्गत एक कानून था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी बालिका को उसके अभिभावक की अनुमति के बिना ले जाना यह अपहर यह अपहरण माना जाएगा अपराध माना जाएगा परंतु हेनरी प्रिंस को जब गिरफ्तार किया गया उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो हेनरी प्रिंस के द्वारा न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि वह बालिका जो कि 16 वर्ष से अधिक आयु की प्रतीत हो रही थी उसका देखने से वह 16 वर्ष से अधिक आयु की प्रतीत हो रही उसने स्वयं बताया कि वह 16 वर्ष से अधिक आयु की है और इस विश्वास के साथ वह उसके साथ गया तो उसने कोई अपराध नहीं किया परंतु इस मामले में न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि वह कार्य स्वमेव दोषपूर्ण था इसलिए इस दूषित आशय के अभाव में इस कार्य को क्षम नहीं किया जा सकता है और उस हेनरी प्रिंस को उस 16 वर्ष की बालिका को माता पिता की संरक्षकता से बाहर ले जाने के लिए अपराध के लिए आपराधिक राय दायित्व से आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया दूसरा इस पर केस है क्वीन वर्सेज टालसन का तथ्य इस प्रकार से हैं श्रीमती टालसन को द्विविवाह के लिए अभियोजित किया गया था श्रीमती टालसन का पति मिस्टर टॉल्सन जो कि किसी व्यापारिक कार्यों से सिप पानी की जहाज से वह जा रहे थे और यह सूचना दी गई श्रीमती टॉल्सन को कि जहाज़ में सवार सभी व्यक्ति डूबकर मर गए अखबार के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ कि जहाज पानी की जहाज में जाने वाले सभी व्यक्ति डूबकर मारे गए इस सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए और उसके सभी रिश्तेदारों के द्वारा जिस किसी भी के द्वारा बताया जा सकता हो किसी ने यह नहीं बताया कि मिस्टर टालसन जिंदा है श्रीमती टालसन यह विश्वास करते हुए कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है उसने अपने एक अन्य पुरुष से यह सब सारे तथ्य को बताते हुए कि उसका पति मर चुका है उसकी मृत्यु हो चुकी है उसने दूसरे व्यक्ति से पुरुष से विवाह कर लिया अभी सात वर्ष पूर्ण भी नहीं हुए थे कि उसका पति मिस्टर टालसन जो कि मरा नहीं वास्तव में मरा नहीं था वह आता है और पाता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से विवाहित हो गई है अब मिस्टर टालसन के द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध दुर्विवाह का मुकदमा बायगेमी का मामला लाया जाता है श्रीमती टालसन ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि समाचार पत्र में प्रकाशित होना कि उसका पति जहाज में जाने वाले सभी लोग डूबकर मारे गए और उसमें कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा इस सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए कि उसका पति अब मर चुका है और यह तथ्य उस व्यक्ति को भी जिस पुरुष से उसने विवाह किया उसको भी बताया और उसने इस विश्वास इस के साथ विवाह किया कि उसका पूर्व पति मर चुका है अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है उसको क्षमा घोषित कर दिया इंग्लैंड की न्यायालय के द्वारा टालसन के मामले में यह माना गया कि जो श्रीमती टालसन हैं उनका दूषित आशय नहीं था Osionfish. और दूषित आशय के अभाव में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जा सकता है यह कानून में प्रावधान है कि जिस किसी भी व्यक्ति के विषय में सात वर्षों तक जीवित होना न सुना तो जाए तो लॉ प्रज्यूम करती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इंग्लैंड के अंतर्गत ये कानून है कि जिस किसी भी व्यक्ति के विषय में सात वर्ष तक जीवित होना न सुना जाए तो लॉ प्रज्यूम करती है कि वह विधि ये मानती है कि वह व्यक्ति मृत्यु मर गया है भारत में भी कानून है भारतीय शासन नियम के अंतर्गत भी ये प्रावधान है कि भारत में भी अगर कोई व्यक्ति जिसके विषय में सात वर्षों तक जीवित होना न सुना जाए भारतीय शासन नियम के अंतर्गत यह माना जाता है लॉप्रज्यूम करती है कि कानून की नज़र में वह व्यक्ति मृत्यु हो चुका है मर चुका है इस आधार पर श्रीमती टालसन को द्विविवाह के लिए आयियोजित नहीं किया गया हम दो निर्णयों के माध्यम से आर वर्सेस प्रिंस अठारह सौ और क्वीन बनाम टालसन अट्ठारह के जब हाउस ऑफ लॉर्ड के मामले को देखते हैं तो ये पाते हैं कि आर बनाम प्रिंस के मामले में दूषित आशय के आधार पर उसको दूषित किया गया टॉल्सन के केस में देखा गया कि दूषित आशय नहीं था अतः तो उसको दोषमुक्त किया गया द्विविवाह के लिए दोषी नहीं ठहराया गया अब भारत में इस केस को संदर्भित करने का इस केस को रेफरेंस देने का क्या तात्पर्य चूँकि भारतीय दंड संहिता भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई बहुत सारे चीज़ों को बहुत सारे कानूनी प्रावधानों को लॉर्ड मैकाले के द्वारा आईपीसी के अंतर्गत समावेशित किया गया हमारा भारतीय जो न्याय भारतीय विधिक प्रणाली है वह भी लीगेसी में विरासत में मिला तो हमने बहुत सारी अंग्रेजी विधि को अपने यहाँ भी ला करके लागू किया अतः तो इस आधार पर हम इन दो केस के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेन्सुरिया की उत्पत्ति और मेन्सुरिया का ऐतिहासिक और दूषित आशय आपराधिक मामलों में कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे उसको न्यायालयों ने निरोचन किया व्याख्या किया अब आते हैं भारतीय है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनसिया से संबंधित मामलों में निर्णय देना तो इस पर एक केस है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य की केस है ए आई आर सुप्रीम कोर्ट नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नाथूलाल एक अनाज व्यापारी होता है और वह उसने व्यापार के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस आवेदन जमा कर दिया था परंतु अभी उसे लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ था और उसे इस आधार पर उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की गई कि बिना लाइसेंस के वह विक्रय अनाज का विक्रय खरीद फरोख्त कर रहा था अतः यह अपराधी है न्यायालय के समक्ष उच्चतम न्यायालय के समक्ष नाथूलाल के द्वारा जब मामला आया तो नाथूलाल ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किया कि चूंकि संबंधित प्राधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था यह सोचते हुए विश्वास करते हुए कि उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा और लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा समय सीमा के भीतर लाइसेंस को न दिया जाना यह उसकी उपेक्षा है न कि व्यापारी नाथुलाल की अतः इस विश्वास के साथ उसने अपना व्यापार जारी रखा कि उसे किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता उसने कोई अपराध नहीं किया है उच्चतम न्यायालय ने माना कि नाथूलाल लाल दूषित आशय नहीं है मिन्सरिया उसकी नहीं है गिल्टी इंटेंशन उसका नहीं है क्योंकि लाइसेंस के लिए आवेदन देना और लाइसेंस प्राधिकारी का के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस का निर्गत न किया जाना न दिया जाना यह संबंधित प्राधिकारी की उपेक्षा मानी जाएगी उस उस व्यापारी की नहीं तो व्यापारी ने जो कार्य किया गुड फेथ में किया सद्भावपूर्वक कार्य किया उसका दूषित आशय नहीं है अतः उसे दोषमुक्त कर दिया गया तो हम इस न्यायिक निर्वचन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में दूषित आशय के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय के द्वारा नाथूलाल की केस में नहीं माना गया कि दूषित इसमें इसका व्यापारी का कोई भी दूषित आशय नहीं है दूसरी ओर वहीं पर महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंसराज जॉर्ज एम एच जॉर्ज ए आई आर नाइनटीन सिक्सटी फाइव सुप्रीम कोर्ट केस है बहुत महत्वपूर्ण के वाद है दो धाराओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण केस है एक तो आईपीसी की धारा सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत एक के महत्वपूर्ण केस है और यहाँ पर यह दूषित आशय के चैप्टर में महत्वपूर्ण केस है इसमें तथ्य इस प्रकार से थे कि यम एच जार्ज जो है वह मनिला से भारत के लिए आया और जब वह भारत के भारत में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो उसके पास से कुछ सोने बरामद हुए जो कस्टम प्राधिकारियों के द्वारा जब्त कर लिए गए उसने कस्टम प्राधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि किस उद्देश्य के लिए अपने पास वह सोने कैरी कर रहा था न तो यातायात के जो नियम हैं जो एयर ट्रैफिक जो एयर रूल्स हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने साथ सामान ले जा रहा है उस में उस सामान की घोषणा करता है कि मेरे पास ये सामान है अतः इस आधार पर जार्ज एम जार्ज के द्वारा जब उसे आपराधिक कार्य के लिए अभियोजित किया गया जो कि भारत में कानून बन गया था उसी समय फेरा फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय भूभाग में भारत की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु आयातित अथवा बाहर से नहीं ला सकेगा उसमें प्रायर कंसर्न भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी जो कि मेयर जो कि मेयर हंसराज जॉर्ज के केस में नहीं लिया गया तो एम ए जार्ज ने न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि वह विदेशी नागरिक है और उसके देश में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है और यह कानून जो भारत में ऐसे कार्य को दंडनीय बनाता है उसकी जानकारी उसको नहीं थी जो यह नोटिफिकेशन भारत में उस समय जारी किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत से भारत के भूभाग से विदेश से सोना भारत में लाना अपराध है इस कानून की जानकारी उस अभियुक्त को नहीं है अतः कानून की अनिभिज्ञता के आधार पर उसे क्षमा कर दिया जाए उसका कोई दूषित आशय नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक नागरिक को जो भी भारतीय भूभाग में आता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारत में जो प्रचलित कानून है वह उसको जानता होगा कोई भी व्यक्ति विधि की भूल का बचाव नहीं ले सकता इस पर एक लैटिन सूत्र है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एग्जिक्यूसेड इग्नोरेंस ऑफ जोरिस इज नॉन एग्जीक्यूसेड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल जो तथ्य की भूल एवं व है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो इज नॉट एक्सक्यूज कानून की भूल क्षम्य नहीं है अर्थात तथ्य की भूल का बचाव तो लिया जा सकता है परंतु विधि की भूल का बचाव नहीं लिया जा सकता है कारण उसका है कि पहली बात तो यह कि लॉ ऑफ द लैंड जो देश का कानून है जिस दिन से अधिसूचित होता है जिस दिन से समाचार पत्र में गजट में प्रकाशित होता है यह मान लिया जाता है कि देश के सभी नागरिक उस कानून को जानते हैं और सभी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अज्ञानता का निरक्षरता का या यह नहीं दावा कर सकता कि वो अनपढ़ है वह अशिक्षित है उसे नहीं मालूम कि भारत में संसद ने कौन सा कानून बनाया है कानून का गैजेट में प्रकाशित हो जाना इस बात का प्रमाण है कि देश के सभी व्यक्ति उस कानून के विषय में जानकारी रखते हैं यदि इसको अपराध घोषित न किया जाए तो यह एक प्रकार से सभी व्यक्तियों को लाइसेंस देने का काम होगा और कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कानून तोड़ने के पश्चात कानून का उल्लंघन करने के पश्चात कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी कि कानून कब बना है भारत में तो इसलिए मेयर हंसराज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मिस्टेक ऑफ लॉ को नहीं माना कि ये इग्नोरेंस ऑफ जो फैक्ट है ये तो क्षम्य है तथ्य की भूल क्षम्य है और ये बहुत पहले से सभी लोकतांत्रिक देशों में सिद्धांत है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है ये एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा हम तथ्य की भूल को क्षम्य कर सकते हैं लेकिन विधि की भूल को हम क्षम्य नहीं कर सकते हैं इस आधार पर एम एस जार्ज को उस आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडित किया गया और दूषित आशय न रखने पर भी कहा गया कि इनका दूषित आशा नहीं ये मानना पड़ेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये मिस्टेक ऑफ लॉ है विधि की भूल है और उस केस में उन्हें दूषित आशय का बचाव नहीं दिया गया और दोषिद्धि प्रदान की गई तो ये दो मामले हैं जिसके माध्यम से नाथूलाल बना बनाम मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जार्ज की केस जो दुराशय से संबंधित से संबंधित महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है कि इस दो वादों के माध्यम से सभी छात्र दुराशय से संबंधित भारतीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के विषय में पूरी जानकारी से अवगत होंगे अपराध के तत्व को और बेहतर समझने के लिए संक्षेप में इसको अगर कहा जाए कि मेन्स्रिया प्लस एक्ट्रिया इज इक्वल टू क्राइम दूषित आशय और दोषपूर्ण कार्य यह अपराध को जन्म देता है दूषित आशय के अभाव में कोई कार्य अपराध नहीं होता इसको उदाहरण के माध्यम से भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत ही समझा जा सकता है यह छात्रों के लिए उपयोगी होगा कि दृष्टांत से ज़्यादा बेहतर होगा कि उदाहरण से ज़्यादा बेहतर होगा कि वह भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत उन धाराओं में देखें कि किन धाराओं के अंतर्गत दूषित आशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता जैसे कि उदाहरण के रूप में देखा जाए भारतीय जनसंहिता की धारा तिरानवे नाइन्टी थ्री जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं यदि वह सद्भावपूर्वक संसूचित किया जाए किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर सद्भावपूर्वक कोई ऐसी सूचना दी जाए जिस सूचना के सुनने के पश्चात उस व्यक्ति की यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा गुड फेथ में दी गई संसूचना को धारा तिरानवे के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है उदाहरण के तौर पर इसको समझें उसी धारा तिरानवे का एक दृष्टान्त है जहाँ पर एक चिकित्सक के द्वारा किसी एक मरीज का इलाज किया जा रहा है और चिकित्सक को यह ज्ञात हो गया रिपोर्ट के आधार पर कि यह मरीज अब लाइलाज बीमारी से ग्रसित है इसको असाध्य बीमारी है इसको कैंसर है और यह बीमारी चिकित्सक उस मरीज को बता देता है कि अब उसे कैंसर हो चुका है उसकी मृत्यु हो सकती है या उस मरीज के किसी घर वालों को बताता है सूचना देता है कि अब यह बहुत कुछ ही दिनों का चंद दिनों का मेहमान है आप इस लोगों को तो ले जाइए इसको घर मरीज को घर ले जाइए और अपने पास रखिए यह कैंसर जैसी असाध बीमारी का इसका कोई अब इलाज नहीं है यह सुनने के पश्चात यदि उस मरीज की मृत्यु तो हो जाए या मरीज के घर वालों में से किसी व्यक्ति की मृत्यु तो हो जाए तो इस सूचना के देने के लिए डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा नहीं लाया जा सकता या डॉक्टर को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कारण यह है कि वह जो सूचना दी है उसने पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ दी है वह पूरे मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सी साक्ष्य के आधार पर दी है कि ऐसी बीमारियों में सामान्यतः तो कोई भी मरीज बचता नहीं है तो ऐसे कार्यों को भारतीय जनसंख्या की धारा तिरानवे के अंतर्गत छ किया गया है वहां पर उसका दूषित आशय नहीं है डॉक्टर के द्वारा जिस समय सूचना दी जा रही थी उस समय उसका दूषित आशय नहीं था और दूषित आशय के अभाव में उसने उन्हें बिना दूषित आशय के सद्भावपूर्वक उसने ये सूचना दी दूसरा दृष्टांत इसको देखें धारा 92 के अंतर्गत ही बानवे के अंतर्गत ही जब किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए जीवन की रक्षा के लिए यदि कोई कार्य किया जाए और उस व्यक्ति की सहमति के बिना काम किया जाए विदाउट कंसेंट कार्य किया जाए बिना सहमति और उसकी जीवन बचाने के लिए कार्य किया जाए और उस दौरान यदि कोई क्षति हो जाए उस व्यक्ति को तो वह भी अपराध नहीं होगा ये धारा बानवे के जो प्रावधान हैं वह विशेष करके चिकित्सकों को मेडिकल प्रैक्टिसनर्स को प्रोटेक्शन दिए गए हैं संरक्षण दिए गए हैं जैसे कि यदि कोई चिकित्सक यदि कोई चिकित्सक सद्भावपूर्वक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किसी मरीज़ की जीवन बचाने के लिए बिना उसकी सहमति के कार्य करता है ऐसी आवश्यक ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि उस मरीज से सहमति ली जा सके उस मरीज से या मरीज़ के परिवार वालों से सहमति लिया जा सके तब ऑपरेशन किया जा सके और डॉक्टर यदि बिना सहमति के मरीज के मरीज की जान बचाने के लिए कोई ऑपरेशन सर्जरी करता है चिकित्सल चिकित्सा करता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के विरुद्ध हम कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते न तो डॉक्टर आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा जब तक कि ये न साबित कर दिया जाए कि डॉक्टर चिकित्सक उपेक्षावान था अगर वह मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में आता है अगर वह लापरवाह उपेक्षावान है ऑपरेशन करते समय पेट में उसकी कैंची छोड़ दिया ऑपरेशन करते समय अगर उसके पेट में मरीज के पेट में टॉविल छोड़ दिया जैसा प्रायः कभी कभी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से हम देखते हैं तो आप सभी ये बात को जानें कि अगर मेडिकल नेगलिजेंस का मामला आएगा तो अभी भारतीय जनसंख्याता की धारा तीन सौ क के अंतर्गत कवर किया जाएगा और चिकित्सक के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है आई की धारा तीन सौ क के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना अपराध माना जाएगा यदि लापरवाही से उपेक्षापूर्ण कार्य को कैसे परिभाषित किया गया कि ब्रीच ऑफ पॉजिटिव ड्यूटी जिस कार्य को करने के लिए हमसे अपेक्षा की जाती है यदि मैं वह कार्य सावधानीपूर्वक नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मैं लापरवाह हूँ वह चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि चिकित्सक अपने कार्यों को ड्यू केयर एंड कॉशन से करेगा पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करेगा यदि ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से किसी भी ऐसी सामग्री का बरामद होना जो कि सर्जरी के दौरान नहीं होना चाहिए अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या और किसी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से दूसरे अस्पताल में या कहीं से मालूम हो जाता है कि यह ऑपरेशन के दौरान पेट में कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई थी ऑपरेशन के दौरान जिसकी वजह से उस मरीज की मृत्यु हुई जो कॉज ऑफ़ डेथ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से अगर ये साबित हो गया कि मृत्यु का कारण जो है या उसके पेट में ऑपरेशन के जो पहले कहीं पूर्व में ऑपरेशन हुआ तो उसमें ये चीज़ें छूट गई थी जिसकी वजह से उसमें पॉइजन हुआ या पेट में कोई ऐसी उसके इन्फेक्शन हुआ जिससे कि उस मरीज़ की मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के विरुद्ध भी आई की धारा तीन के अंतर्गत मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लाया जा सकता है परंतु यदि वह लापरवाह नहीं है पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है परंतु इसलिए केवल एक आधार पर उसको हम आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहरा दें कि उसने मरीज से सहमति नहीं लिया या मरीज के परिवार वालों से सहमति नहीं लिया तो कोई भी चिकित्सक अपने चिकित्सीय कार्यों को सही तरीके से संबाधित करने के लिए आगे नहीं आएगा और वह मेडिकल लीगल मेडिकल केस करने के लिए लीगल लीगल मेडिकल मामलों तकनीकी मामलों में वह सारे मामले फंस के रह जाएंगे इसको उदाहरण के तौर पर और समझा जाए कि इस केस में दूषित आशय क्यों नहीं होता गिल्टी इंटेंशन क्यों नहीं होता जैसे मैंने बताया कि, कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते समय वह एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसके ब्रेन में उसके मस्तिष्क में इतनी चोटें आती हैं ब्लीडिंग होती है कि वह अवस्था में पड़ा है यदि उसको कोई ले आकर के अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए ले आता है और डॉक्टर को यह लगता है कि न तो मरीज होश में है और वह अचेतन अवस्था में है तो मरीज़ की सहमति के बिना वह ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और वह ऑपरेशन इस विश्वास के साथ पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ ऑपरेशन करता है परंतु उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नहीं बचा पाता है अंतिम रूप से नहीं बचा पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर वाले मृतक के घर वालों को अधिकार नहीं है कि डॉक्टर के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा यदि आपराधिक मुकदमा आता भी है तो वह डॉक्टर चिकित्सक जिस धारा का बचाव लेगा आईपीसी के अंतर्गत वह धारा 92 है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य को आपराधिक विधि क्षम घोषित करती है अतः इस आधार पर चिकित्सक भी धारा बानवे का लाभ लेते हुए उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं किया जा सकता अब इन दो उदाहरणों के माध्यम से धारा बानवे और धारा तिरानवे के पश्चात मैंने धारा 82 बताया धारा ये चौरासी बताया है कि विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कब दूषित आशय के अभाव में क्षम दूषित आशय के अभाव में अपराध नहीं माना जाएगा तो ये जितने भी आईपीसी की धारा 76 से लेकर के 106 तक के अंतर्गत मामले हैं उनमें दूषित आशय के अभाव में उन कार्यों को क्षम्य में घोषित किया गया है इसको और एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मेन्सरिया के एब्सेंस में कार्य को दूषित आशय के अभाव में कार्य को अपराध नहीं माना जाता उदाहरण के तौर पर जैसे विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य विधिक आबद्धता के अंतर्गत किए गए कार्य में दूषित आशय नहीं होता जैसे कि किसी भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के अनुवर्तन में कोई उसका अधीनस्थ कांस्टेबल यदि भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाता है और भीड़ में किसी एक व्यक्ति की या किसी व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका कार्य भारतीय जनसंहिता की धारा छिहत्तर के अंतर्गत क्षम्य होगा वह आएक्ट जो अजब कृत्य है वह दूषित आशय के अभाव में क्षम्य माना जाएगा क्यों क्योंकि वह कार्य विधि द्वारा आबद्धता के अधीन किया गया था उसमें दूषित आशय नहीं था वह कार्य माओ यदि इसका विश्लेषण किया जाए अपराध के चार तत्वों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें मानव भी है कांस्टेबल मानव मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय दूषित आशय के अनुसरण में किया गया दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण कार्य के पश्चात क्षति यदि ये चार ही तत्व हैं जो आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं कांस्टेबल ने अपराध किया या नहीं किया इसको निर्धारित करने के लिए हमको ये देखना होगा कि क्या कांस्टेबल के द्वारा किए कांस्टेबल के द्वारा जो वह मृत्यु कारित की गई वह उस समय उसके मस्तिष्क में कोई दुष्पूर्ण आशय था कोई उसका अपराधी गिल्टी इंटेंशन था या नहीं था तो चूंकि इस मामले में जो ऐसी भीड़ है जो मॉब है वह अनियंत्रित भीड़ है अनियंत्रित भीड़ जो है ज़्यादा हिंसा कर सकती है हिंसा करने पर उतारू है और वह वरिष्ठ अधिकारी आदेश देता है कि अगर इसमें इसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम अगर भीड़ पर जो है दबाव नहीं बनाएंगे अगर गोली चलाने का आदेश नहीं देंगे इनको डराने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये भीड़ हज़ारों हजारों लोगों को मार डालेगी तो इस स्थिति में उस वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के पालन में अगर अधीनस्थ अधिकारी भीड़ को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि भीड़ पर गोली चलाता है या जानते हुए कि क्षति हो सकती है परंतु क्षति करने का इरादा नहीं है उसका दूषित आशय नहीं है तो इसलिए दूषित आशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा और वह कांस्टेबल भारतीय जनसंख्याता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है उसको धारा छिहत्तर का लाभ मिलेगा ऐसे ही न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में यदि कोई कार्य किया जाए तो वह भी अपराध नहीं है क्योंकि उसमें दोषी तासर नहीं होता गिल्टी इंटेंशन नहीं होता जैसे कि किसी भी व्यक्ति ने हत्या किया है और हत्यारे को अब सजा देनी है कैपिटल पनिशमेंट देना है डेथ सेंटेंस देना है न्यायालय ने आदेश दिया कि इसको अब कैपिटल सर्टेंस दिया जाए कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जैसे उदाहरण के तौर पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को जब फांसी दी गई तो जो फांसी जो व्यक्ति उसको सजा दे रहा है कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है जो उसको रस्सी पर लटका लटका रहा है और तब तक लटका रहा है जब तक तो उसकी मृत्यु तो नहीं हो जा रही है तो उसको अपराधी मान लिया जाना चाहिए लेकिन वो अपराधी नहीं है कानून की नज़र में क्योंकि वह आदेश के न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में पालन में वह फांसी पर व्यक्ति को लटका रहा है इसलिए उसका दूषित आशय नहीं है गिल्टी इंटेंशन नहीं है और न तो जो कार्य कर रहा दोषपूर्ण कार्य भी नहीं है तो दूषित आशय और दोषपूर्ण कार्य न होने पर वह अपराध नहीं होगा तो न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में अगर कार्य किया जाए तो दूषित आशय के अभाव में वह अपराध नहीं माना जाएगा इसको अन्य दृष्टांत के माध्यम से मैंने जैसा कि बताया और उसको समझा जा सकता है दूषित आशय के अभाव में किया गया कार्य कब अपराध नहीं माना जाएगा तो यह जैसे पागल का मैंने बताया कि जैसे पागल है विकिसित व्यक्ति का विकसित व्यक्ति है वह कोई कार्य करे और जिससे किसी को क्षति भी हो जाए तो हम चार तत्वों के आधार पर यह मानेंगे क्या पागल व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए मानव तो है मानव है मानव के मस्तिष्क में परंतु उस पागल के मस्तिष्क में दूषित आशय नहीं है जो कार्य किया दोषपूर्ण है उसने क्षति किया हमला किया वो भी दोषपूर्ण है परंतु और क्षति भी हुई है परंतु एक तत्व है जो उसमें अनुपस्थित है उस विकृषित व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य में या जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कार्य करता है उसमें जो एक तत्व अनुपस्थित है वह अनुपस्थित है मिन्स या गिल्टी इंटेंशन का होना क्योंकि वह इस, इस स्थिति में है ही नहीं वह समझ पाने में कि जो वह कार्य कर रहा है वह गलत है विधि विरुद्ध है या सही है तो इस आधार पर उसके द्वारा किया किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है तो ये दूषित आशय कितना आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने में कितना आवश्यक भूमिका प्रस्तुत करता है यह उसका जिष्ठ है तो अपराध का मूल तत्व है दूषित आशय दूषित आशय के अभाव में कार्य अपराध नहीं हो सकता इन दृष्टांतों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनसंख्या के इन धाराओं के अंतर्गत भी धारा छिहत्तर धारा बानवे और धारा 93 जिसके अंतर्गत दूषित आशय को अपवर्जित किया गया कि दूषित आशय ये जो कार्य हैं ये क्षम में हैं इन परिस्थितियों में किए गए कार्य दूषित आशय के अभाव में अपराध नहीं माने जाते हैं अब इसके अतिरिक्त यदि मामले को समझना है कि हम क्षति न हो और क्षति न हो तो भी अपराध मान लिया जाए मैंने बताया कि वे तीन अपराध हैं इनको एट अपराध हैं अपूर्ण अपराध माने जाएंगे प्रयत्न है दुष्प्रेरण है और षड्यंत्र को रखा गया है तो मैं बता रहा था कि दुराशय और कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के मध्य जो संबंध हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि कुछ आपराधिक मामलों में अभियुक्त को स्ट्रिक्टली उत्तरदायी ठहराया गया है उसमें दूषित आशय को ध्यान में नहीं रखा जाता दूषित आशय के अभाव में भी उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाता है जैसे कि मैंने बताया उदाहरण के तौर पर जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का है भारतीय संसद के द्वारा उन्नीस में बनाया गया फूड एडल्ट्रेशन एक्ट खाद्य अपमिश्रण अधिनियम उन्नीस जिसके अंतर्गत यदि मिलावटी भोज पदार्थ विक्रय किए जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं तो विक्रेता को मैन्युफैक्चरर को जो उसको निर्माण कर रहा है मिलावटी जैसे तेल ऑयल है ऑयल में अगर वो कुछ मिलावटी कर रहा है भोज पदार्थ में खाने के ऑयल में मस्टर्ड ऑयल है तो उस मस्टर्ड ऑयल में अगर कोई मिलावट कर रहा है भोज पदार्थ में तो उस, उसके दूषित आशय हो या ना हो उसको प्रथम दृश्य अपराधी माना जाएगा और इन स, इस समिधि के अंतर्गत दूषित आशय को एब्सेंट किया गया कि दूषित आशय को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि दूषित आशय के अभाव में भी इस कार्य को अपराध माना जाएगा जिससे कि ऐसे अपराधों में ऐसे सोशो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध होते हैं भ्रष्टाचार के मामले होते हैं करप्शन के स्कैम के मामले होते हैं इन अपराधों में जो श्वेत पोष अपराध हैं व्हाइट कलर ऑफ क्राइम है उन अपराधों में दूषित आशय के अभाव में भी अभियुक्त को अपराधी माना जाता है और वहाँ पर दूषित आशय नहीं तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें अभियुक्त को दूषित आशय के अभाव में भी अपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है मैं समझता हूं कि आज इस सभी व्याख्यान इस व्याख्यान के अंतर्गत जो मैंने अपराध के चार तत्व बताए उन चार तत्वों पर जो इंग्लैंड के अंतर्गत केस बताई भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो केस बताए इसकी उपयोगिता कठोर दायित्व तो, और संविधियाँ जिन संविधियों के अंतर्गत तो मिन्सिया को एक्सक्लूड किया गया परिचित किया गया है आप सभी लोग इस व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद